अजीब आदमी है यार, तीता पत्ता खा रहा है यार, नीम का पत्ता। सो देख सकते हो गाइस यार, TVS का गाड़ी था भाई ने यार मॉडिफाई करके ना अल्टीमेट एक्सट्रीम लेवल का बना दिया यार। गाइस यार कैसा देख रहा है, देखो हेलीकॉप्टर की तरह देख रहा है देखो। सो है गाइस, लो फ्रॉम गुवाहाटी, ये आज मेरा गुवाहाटी में सेकेंड डे है। सो बैक टू वेलकम ऑल ऑफ यू माई न्यू ब्लॉग। और यहाँ पर मेरे साथ है अशोक भाई और यहाँ पर है मेरा छोटा भाई, मतलब हमारा अभी मेरा भी फैन बन गया है यहाँ पर गुवाहाटी पे, प्रियो ब्रोत बोरा। मतलब भाई का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही प्यारा क्यूट नाम है। कितने में पढ़ाई करते हो आप? सिक्स में। सो गाइस अभी हम है रॉन्ग माहौल में, ठीक है अभी आगे आगे जाते क्या कुछ देखने को मिलता है अपने को। थैंक यू। सो भाई बोले बोरिया, तो थैंक यू गाइस ना। मुझे और किसी भी एंगल से यार गुवाहाटी जैसा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि यार इस साइड में देखो कैसा रास्ता है, ना घर है ना कुछ है, जंगल जंगल है। और यार ये जो कीड़ा है ना, मतलब इतना साउंड करता है भाई, मेरे को सच्ची में बहुत परेशान हूँ मैं इस कीड़े से। इतना घना जंगल यार यहाँ पर, और सभी कीड़े की बजने की आवाज़ें यार। क्या लगता है आपको गाइस, इस जंगल में बाघ वगैरह हो सकता है? बाघ वगैरह, शेर वगैरह, हाथी तो बिल्कुल भी नहीं होगा यार। गाइस अभी तो पता है आम का सीजन है, और यहाँ पर देखो कितना सारा आम है, पूरा आम लगा हुआ है इस पेड़ पे, वहां तक है उस वाले में भी। मालिक आएगा तो भागो भाई, भाग 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 भाग। 2 से 3 किलोमीटर हम लोग पैदल ही चल रहे हैं यार, पैदल ही चल रहे हैं। रूप वे टर्मिनल पे जा रहे हैं हम, यहाँ पर जो गुवाहाटी पे रूप वे टर्मिनल, जैसे कि जीप लाइन वगैरह होता है ना, जैसे फ्री फायर पबजी में जो होता है ऐसा ऊपर से जाते हैं लूटने के लिए। भाई बाइक टू किन्तु भाला लगे रे भाई, टी बाइक टू मॉडिफाई कर लेने की कि एने की बाइक ऐसे ले तू TVS। वाह अल्टीमेट बनाई दिसो किंतु दे। सो देख सकते हो गाइस यार, TVS का गाड़ी था भाई ने यार मॉडिफाई करके ना अल्टीमेट एक्सट्रीम लेवल का बना दिया यार। यार तुम्हारा नाम की? सुमन। सुमन पहाड़ को ना खुद के काट काट के पूरा यहाँ पर घर वगैरह बना रहे हैं, और हमें तो चलना है और 2 किलोमीटर गाइस, और 2 किलोमीटर। वीडियो कैमरा यूट्यूब बिलाको तो देखा पाए ना, ये तो वीडियो है। ভাল না কুরিয়ন? ভাল দে তেজপুরৰ পৰা আইছো মই ঘূৰিব তেজপুরৰ পৰা। সো গাইস হম আতে আতে ইয়াৰ কুছ ইস তৰিকে কে লোকেশন মে পহুঁচ চুকে হ্যায়। দেখো গাইস ইস তৰিকে কে লোকেশন মে কাফী দূৰ আ চুকে ইয়াৰ হম 5-6 किलोमीटर पैदल चल के आ चुके यार, मेरा पूरा पैर दुखने लगा है गाइस। बहुत बुरे लोग हैं यार, बहुत बुरे लोग हैं इन लोगों, इन लोगों के लिए कमेंट कर देना यार, इन लोगों ने बहुत पैदल चलाया मुझे। सनसेट होने वाला है देखो। कितना किलो है आप ऐसे? हाँ रियल बताना। 84 किसी भी एंगल से 84 नहीं लग रहा है भाई, ये 184 होगा शायद। विशाल डीमार्ट से लिया था ये टी शर्ट, शायद ये टी शर्ट का कलर बहुत उग रहा है इसलिए सब लोग देख रहे घूर घूर के। अजगर साहब का जो स्किन होता है ना ऐसा हो गया यार मेरा खोपड़ा। इसकी हरकतें देखो, छोटा बच्चा से कम नहीं है यार ये। देखो नीम का पत्ता खाओ खाओ। तीता नहीं लग रहा है क्या आप लोगों को? तीता है? अरे यार अजीब आदमी है यार, तीता पत्ता खा रहा है यार, नीम का पत्ता। सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं दल गोविंद मंदिर। सो इसी के बारे में थोड़ा आपको बताते अंदर, तो फिलहाल चलते हैं हम यहाँ पे। देख सकते हो आप लोग यही है दल गोविंद मंदिर, ठीक है ना। सो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, अशोक भाई ने बताया हमको, कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था ना उस टाइम पे, श्री कृष्ण जी का जो रथ होता है घोड़े वाला रथ, वो मतलब एक टाइम पे आके इसी मंदिर पे आके थोड़ा रेस्ट किया था, रुके थे, इसीलिए ये मंदिर बहुत पॉपुलर है। और इस जगह का नाम है राजा द्वार, और इस मंदिर का नाम है दल गोविंद मंदिर। देख सकते हो गाइस कितना कूल प्लेसेस। मंदिर के अंदर तो नहीं गया क्योंकि हमने कुछ खाना वगैरह खा के आया था, इसीलिए अंदर नहीं गया। जो भी हो हमने अपने मन से ही प्रार्थना कर लिया हमारी जल्दी से जल्दी मतलब YouTube की फैमिली बढ़े, वही एक्सपेक्टेशन है मेरी तो, जैसे कि मतलब फैमिली मेंबर जल्दी से बढ़े वही है। और गाइस ये राजा द्वार ना काफ़ी शानदार प्लेस है गाइस, देख सकते हो यार वाओ।
गाइस कोई क्राउड भी नहीं, कितना शांत है यार ये प्लेस कसम से। देखो रास्ता कितना क्लीन है, नीटनेस। खबर भाल भाल दे। अभी हमको मिलने वाला है जीप लाइन, जीप लाइन। आ जाओ भाई, आ जाओ, ए आ जाओ, आ जाओ। फाइनली गाइस हम रूपवे टर्मिनल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर है रूपवे टर्मिनल। तो गाइस थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं सच्ची में कैसा है यार रूपवे टर्मिनल। हमने तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के वीडियो में देखा था गाइस, तो अभी सच्ची में रियल लाइफ में देखने वाले हैं हम। लिखा हुआ है पर रूपवे टर्मिनल, देख सकते हो गाइस, वही है मशीन है जिसपे चढ़ के हम जा सकते हैं। सो गाइस भाई ने बताया क्या इंजन है ना उस पर, मतलब 20 जने जा सकता है, मतलब 20 लोगों का कैपेसिटी है। आप इधर से चढ़ के डायरेक्ट चले जाओगे ऊपर सिटी पे। उमानंद टेंपल भी वही है, देखो यहाँ से दिख रहे उमानंद टेंपल के। ऊपर ऊपर होते होते जाओगे आप डायरेक्ट गुवाहाटी। उस पार पे कितना अशांति यार, अशांति देखो, और इस पार पे देखो कितना शांति है, पोलाइट, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं। कि मतलब यार उठ ले 60 रुपीस। देखो फाइनली अभी जाने वाला है देखो जिप लाइन ऊपर से। अभी हम तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि नाइट हो गया, और कल ट्राई करते हैं, हम कल जाएंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से ऊपर से व्यू दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, देखो गाइस जा रहे हैं, देखो वहाँ, देखो अशोक भाई ऊपर। बाय बाय नॉर्थ ईस्ट फैल्कन, सब्सक्राइब करी कि नहीं जाबो चैनल टू। ओके इतना स्लो जा रहा है यार, बाय बाय। अरे गाइस यार कैसा देख रहा है, देखो हेलीकॉप्टर की तरह दिख रहा है। देखो यार इस चीज को तो कल ट्राई करना पड़ेगा गाइस। ओ स्पीड हो गया, स्पीड स्पीड, अबे अबे फास्ट हो गया गाइस, अबे अबे फास्ट हो गया, फास्ट फास्ट फास्ट, वाओ कितनी स्पीड जा रहा है गाइस, देखो अमेजिंग अमेजिंग, वाओ चला गया यार, मुझे भी जाने के लिए मन था। कल तो मैं 110% जाऊंगा इस पे यार, इसका मज़ा तो लेना है यार, लेना ही लेना है। आप लोगों के लिए एक ही वीडियो बनाऊंगा सिर्फ इसी का, सेपरेट से 2 मिनट का होने से भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। कितने बजे तक चलता है भैया ये, लास्ट था क्या? अरे कितना हो गया टाइम, 6 बजे तक गाइस लास्ट। और गाइस हम कुछ इस तरीके के लोकेशन में पहुँच चुके हैं, ये है फेरी घाट, राजा द्वार फेरी घाट। आप यहाँ से भी गुवाहाटी जा सकते हो फैंसी तक, और यहाँ से भी देख सकते हो जीप लाइन वगैरह। और वही है सामने उमानंद मंदिर, उमानंद टेंपल, देखो ब्रह्मपुत्र के बिल्कुल सेंटर में है ना भाई। वाह यार मस्त लग रहा है यार, मस्त लग रहा है। चलो मैं भी गूगल्स डालता हूँ और उसके बाद वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। सो है गाइस आज का ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है, सो आज की ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और हमने पैदल पैदल चल के आया, काफ़ी मंदिर वगैरह एक्सप्लोर किया हमने, रूपवे जो टर्मिनल है वहाँ तक भी आया, और इसका मज़ा तो हम कल ही लेंगे। सो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर इन करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर देना और कमेंट करके बताना सच्ची में कैसा लगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, 1000 बना दो यार जल्दी से, 1K करा दो। तब तक खाओ पियो मस्त रहो, मिलते हैं एक धांसू से ब्लॉग में। बाय बाय बाय।